हेलो माय डियर लिटिल किड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों आज हम पढ़ेंगे मैथ्स की बुक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मैथ्स की बुक। क्या पढ़ेंगे बच्चों आज हम? मैथ्स की बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों कल हमने मैथ्स की बुक में पढ़ा था फुल एंड एम्प्टी। क्या पढ़ा था बच्चों हमने? फुल एंड एम्प्टी। क्या बताया था बच्चों मैंने आपको? फुल एंड एम्प्टी का मतलब, फुल मतलब भरा हुआ और एम्प्टी मीन्स खाली। तो आप दोनों को दो चीज में कंपैरिजन करना था आप लोगों को कि कौन सा फुल है और कौन सा एम्प्टी है। तो बच्चों अब आज हम पढ़ेंगे मोर एंड लेस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मोर एंड लेस। मोर मीन्स ज्यादा, लेस मीन्स कम। मोर मीन्स क्या होता है बच्चों? ज्यादा, एंड लेस मीन्स कम। तो देखिए बच्चों ये क्या है? डॉग्स। क्या है बच्चों? डॉग्स। क्या है? डॉग्स। कितने डॉग है बच्चों? देखिए ये 1 2 3, 3 डॉग्स हैं। और ये क्या है बच्चों? जिराफ्स। क्या है बच्चों? जिराफ्स। देखिए ये कितने जिराफ हैं? 1 एंड 2। तो बताइए बच्चों इन दोनों में से कौन से मोर हैं एंड कौन से लेस हैं? बताइए कौन से मोर हैं? मोर मीन्स मैंने आपको क्या बताया? ज्यादा। और लेस मीन्स क्या बताया? कम। तो बताइए इन दोनों में कौन से ज्यादा हैं? डॉग्स ज्यादा हैं। कौन से ज्यादा हैं? डॉग्स ज्यादा हैं। डॉग्स कितने हैं? 3 हैं। और जिराफ्स कितने हैं? 2 हैं। तो हमारे क्या ज्यादा हुए? डॉग्स ज्यादा हुए। तो ये क्या है? हमारे मोर हैं। और जिराफ हमारे क्या है? लेस हैं। इन दोनों के कंपैरिजन में ही तो आप दोनों को बताना है ना आप लोगों को कि कौन से ज्यादा हैं और कौन से कम हैं। तो इसमें कौन से ज्यादा हैं? डॉग्स ज्यादा हैं। और कौन से कम हैं? जिराफ हमारे कम हैं। देखिए बच्चों अब हम मोर एंड लेस से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक्सरसाइज। तो देखिए काउंट द ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप एंड राइट देयर नंबर्स इन द सर्कल्स एंड टेक द ग्रुप विच वन हैज मोर ऑब्जेक्ट। मतलब आपको पहले ही ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और उसके बाद काउंट करके आपको लिखना है कि वो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। और इसमें से ये भी देखना है कि कौन सा मोर है उस पर आपको टिक करना है और जो लेस है उस पर आपको क्रॉस करना है। ओके बच्चों तो चलो देखिए ये क्या है बच्चों? देखिए बच्चों ये क्या है? टमाटर। ये क्या है बच्चों? टमाटर। ये क्या है? मिर्च। क्या है बच्चों? मिर्च। अब आपको इन दोनों में से देखना है कौन सा मोर है एंड कौन सा लेस है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बताया था? पहले आपको इन्हें काउंट करके लिखना है तभी तो आपको पता चल पाएगा कि कौन सा मोर है एंड कौन सा लेस है। तो पहले इन्हें काउंट कीजिए 1 2 3। कितने हैं बच्चों ये? 3। कितने हैं? 3। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? 3। तो इसमें सबसे आगे हम लोग लिखेंगे 3। उसके बाद नेक्स्ट को काउंट कीजिए बच्चों। ये मिर्च कितनी है काउंट कीजिए ना 1 2 3 4 5। कितनी है बच्चों ये? 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 5। तो अब बताइए बच्चों इन दोनों में से कौन से ज्यादा है? टमाटर ज्यादा है या मिर्च ज्यादा है? टमाटो ज्यादा है या चिली ज्यादा है? क्या ज्यादा है बच्चों? चिली ज्यादा है। क्या ज्यादा है? चिली ज्यादा है। दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं ना तो हम चिलीज पे क्या लगाएंगे? टिक लगाएंगे। और टमाटो हमारे कितने हैं? कम हैं। इस पे क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों ये क्या है? स्ट्रॉबेरीज। क्या है बच्चों ये? स्ट्रॉबेरीज। और ये क्या है? एप्पल्स। क्या है बच्चों ये? एप्पल्स। अब पहले आपको इन दोनों को काउंट करके लिखना है फिर आपको इन दोनों के कंपैरिजन में बताना है कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। तो पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। कितने बच्चों ये? 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 6। अभी क्या है बच्चों? एप्पल्स। इन्हें एक बार काउंट कीजिए 1 2 3 4। कितने हैं बच्चों ये? 4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4। अब बताइए इन दोनों के कंपैरिजन में कौन से ज्यादा हैं बच्चों और कौन से कम हैं? कौन से मोर हैं और कौन से लेस हैं?
स्ट्रॉबेरीज हमारी मोर है, मतलब ज्यादा है, तो स्ट्रॉबेरीज पर हम क्या लगाएंगे, टेक। एप्पल्स हमारे कम है तो यहाँ क्या लगाएंगे, क्रॉस। आप समझ गए, आपको दो चीजों के कंपैरिजन में बताना है कि कौन सी ज्यादा है और कौन सी कम है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए बच्चों, कलर दी मोर ऑब्जेक्ट्स रेड एंड लेस ऑब्जेक्ट्स ग्रीन, मतलब आपको मोर पर रेड कलर करनी है एंड लेस पर ग्रीन कलर करनी है। तो मोर मीन्स क्या होता है बच्चों, ज्यादा। क्या होता है, ज्यादा। और लेस मीन्स कम। तो बताइए बच्चों, इनमें से कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो पहले काउंट करते हैं, 1 2 3। कितने हैं ये, 3 हैं। अब नेक्स्ट काउंट करते हैं एप्पल्स को, 1 2 3 4 5 6। ये कितने हैं बच्चों, 6 हैं। तो बताइए इनमें से कौन से ज्यादा हुए फिर। सही बताया, एप्पल हमारे ज्यादा हुए, क्योंकि एप्पल हमारे कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। तो एप्पल में हम कौन सा कलर करेंगे, रेड कलर। कौन सा कलर करेंगे, रेड कलर। तो चलिए करते हैं कलर, सारे एप्पल्स में हम लोग रेड कलर कर देंगे। ओके, सब में करना है। चलिए करते हैं रेड कलर। देखिए बच्चों, हमने मोर में रेड कलर कर दिया है। कौन सा कलर कर दिया है, रेड कलर। अब ये बच्चों कितने थे हमारे, 3। कितने थे, 3, मतलब लेस थे, कम थे। तो इसमें कौन सा कलर करेंगे, ग्रीन कलर। कौन सा कलर, ग्रीन कलर। चलिए ग्रीन कलर करते हैं, इसमें सभी में हम लोग ग्रीन कलर कर देंगे। ये बच्चों, अब इसमें हमने ग्रीन कलर कर दिया है। ओके बच्चों, तो बच्चों आज हमने क्या सीखा मैथ्स में, मोर एंड लेस। क्या सीखा बच्चों, मोर एंड लेस। मोर मीन्स ज्यादा और लेस मीन्स कम। ओके बच्चों, अब आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। बच्चों अभी तक हमने काउंटिंग 1 to 50 कर ली थी। कहाँ तक कर ली थी बच्चों, हमने 1 to 50 काउंटिंग्स कर ली थी। अब आज हम उन्हीं काउंटिंग का एक बार रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, रिवीजन करेंगे। तो आज हमारा क्या टाइम है, रिवीजन टाइम। क्या टाइम है बच्चों, रिवीजन टाइम। तो देखिए, कंप्लीट दी मिसिंग नंबर्स। आपको मिसिंग नंबर्स को कंप्लीट करना है। मतलब देखिए बच्चों, इसमें कुछ नंबर्स हैं जो कि हमारे खो गए हैं, तो हमें उन नंबर्स को ढूंढकर और इसमें लिखना है। क्या करना है, हमें उन नंबर्स को ढूंढना है, फिर उन नंबर्स को ढूंढकर हमें इसमें लिखना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग ढूंढते हैं। ये क्या है बच्चों, 1। क्या है बच्चों, 1। 1 के बाद क्या आता है, 2। क्या आता है, 2। लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं है, खो गया है ना। तो हमें मिल गया, हमने क्या ढूंढ लिया, 1 के बाद क्या आता है, 2। हमने तो ढूंढ लिया ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2। फिर 2 के बाद 3। 3 के बाद क्या आता है बच्चों, क्या आता है बताइए, बताइए, 4, जो कि यहां से हमारा खो गया है। तो अब हमने इसे ढूंढ लिया, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 4। 4 के बाद 5, जो कि हमारा यहाँ पे है। 5 के बाद क्या आता है, 6। 6 हमारा खो गया है, तो अब हम यहाँ पे 6 को ढूंढकर लिख देंगे। यहाँ क्या आएगा, 6। 6 के बाद 7। फिर 7 के बाद क्या आता है बच्चों, क्या आता है, क्या आता है, 8। सही बताया, जो कि खो गया है। क्या हो गया है, खो गया है, हम उसे यहाँ पर ढूंढकर लिख देंगे। 8 के बाद 9, वो भी खो गया है, तो हम उसे भी यहाँ पर ढूंढकर लिख देंगे। 9 के बाद 10, जो कि हमारा है। 10 के बाद 11, क्या आएगा बच्चों, 11। 11 तो हमारा खो गया है, तो हम यहाँ पर ढूंढ कर लिख देंगे।
इलेवन, इलेवन के बाद ट्वेल्व, ट्वेल्व तो हमारा है, ट्वेल्व के बाद थर्टीन, थर्टीन हमारा कहीं खो गया है, हम उसे ढूंढ के यहाँ पे लिख देंगे, हमें थर्टीन के बाद फोर्टीन, फोर्टीन के बाद फिफ्टीन, जो कि कहीं खो गया है लेकिन हमने ढूंढ लिया, तो हम उसे यहाँ पे ढूंढ के लिख देंगे। फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन, वो भी कहीं खो गया है, हम उसे यहाँ पर ढूंढ कर लिख देंगे। सिक्सटीन, सिक्सटीन के बाद सेवनटीन, सेवनटीन हमारा है, सेवनटीन के बाद एट्टीन, वो भी कहीं खो गया है लेकिन हमने ढूंढ के यहाँ लिख दिया। एटीन के बाद नाइनटीन, वो भी कहीं खो गया है, फिर हम इसे यहाँ पर ढूंढ के लिख देंगे। नाइनटीन के बाद ट्वेंटी, ट्वेंटी तो हमारा है, ट्वेंटी के बाद ट्वेंटी वन, वो कहीं खो गया है लेकिन हमने ढूंढ लिया, तो हम उसे ढूंढ के यहाँ पे लिख देंगे। 21 के बाद 22, वो भी कहीं खो गया है लेकिन हमने ढूंढ लिया, हम उसे यहाँ पे ढूंढ के लिख देंगे। 22, 22 के बाद 23, जो कि हमारा है, 23 के बाद 24, खो गया है कहीं, तो हम उसे ढूंढ के लिख देंगे, हमें मिल गया, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 24। देखिए बच्चों, इसी तरह से आपको आगे भी लिखने हैं। देखिए बच्चों, इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, अब एक बार हम इन्हें पढ़ना सीखते हैं, कैसे पढ़ेंगे। देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। इसी तरह से बच्चों आप लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है वन वन इलेवन, वन टू ट्वेल्व, ओके ऐसे नहीं पढ़ना है। ओके बच्चों, आप इन्हें आगे इसी तरह से पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आप आगे देखिए पेज नंबर 23। कौन सा पेज नंबर? 23। ज्वाइन दी नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 टू सी दी हिडन कैरेक्टर्स। मतलब आपको 1 to 50 नंबर्स को ज्वाइन करना है नंबर्स वाइज। जैसे 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 1 को 2 से ज्वाइन करेंगे। फिर 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 को 2 को 3 से ज्वाइन करेंगे। ऐसे आपको ज्वाइन करना है इन पिक्चर्स को। ओके बच्चों, 50 तक ज्वाइन करने हैं, तो देखिए कैसे ज्वाइन करेंगे। पहले आप इन्हें ज्वाइन करेंगे, तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों? 1। तो देखिए 1 को हमने, 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 से ज्वाइन कर दिया। 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 2 को 3 से कर दिया। 3 के बाद क्या आता है? 4, तो 3 को हमने 4 से कर दिया। 4 के बाद क्या आता है बच्चों? 5, तो 4 को हमने 5 से कर दिया। 5 के बाद क्या आता है बच्चों? 6, तो 5 को हमने 6 से कर दिया। 6 के बाद क्या आता है बच्चों? 7, तो 6 को हमने 7 से कर दिया। 7 के बाद क्या आता है बच्चों? 8, तो 7 को हमने 8 से कर दिया। 8 के बाद क्या आता है बच्चों? 9, तो 8 को हमने 9 से कर दिया। 9 के बाद क्या आता है बच्चों? 10, तो 9 को हमने 10 से कर दिया। देखिए बच्चों, ये हमने पूरा 1 to 10 ज्वाइन कर दिया। अब बच्चों हम ज्वाइन करेंगे बच्चों 11 से। तो देखिए 11 के बाद क्या आता है बच्चों? 12, तो 11 को 12 से, फिर 12 के बाद 13, 12 को 13 से, 13 के बाद 14, 13 को 14 से, 14 के बाद 15, 14 को 15 से, 15 के बाद 16, 15 को 16 से, 16 के बाद 17, तो 16 को 17 से, 17 के बाद 18, तो 17 को 18 से, 18 के बाद 19, तो 18 को 19 से, 19 के बाद 20, तो
तो 19 को 20 से। बच्चों इसके लिए आपको काउंटिंग्स लर्न होनी चाहिए कि कौन से के बाद कौन सा नंबर आता है। अगर आपको काउंटिंग लर्न नहीं होगी तो आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देखिए 1 to 50। तो देखिए बच्चों यहाँ का लिखा है 21 कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ये रहा 21 के बाद 22, तो 22 से ज्वाइन कीजिए। 22 के बाद 23 के बाद 24, जो आता जा रहा है आप उससे ज्वाइन करते जाइए। 24 के बाद 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30, फिर 31, फिर 32, फिर 33, फिर 34, फिर 35, फिर 36, फिर 37, फिर 38, फिर 39, फिर 40, फिर 41, फिर 42, फिर 43, फिर 44, फिर 45, फिर 46, फिर 47, फिर 48, फिर 49, फिर 50। देखिए बच्चों हमने अब इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखिए बच्चों इसकी एक आईज नहीं है तो हमने इसकी एक और आईज बना दी। इसी तरह से बच्चों आप लोग भी ज्वाइन करेंगे, बट आपको इसके लिए पहले काउंटिंग्स लर्न होनी चाहिए 1 to 50। ओके बच्चों, तो बच्चों अब आप लोगों को होमवर्क में पेज नंबर 22 और 23 करना है। ये जो मैंने आपको जिसपे कराया वही आप लोगों की होमवर्क शीट है, तो आपको होमवर्क में यही करना है। ओके बच्चों, तो पहले आप लोग काउंटिंग्स लर्न करेंगे तभी करेंगे। ओके, कोई अपनी मम्मा से पूछ के नहीं करेगा, सब अपने अपने आप करेंगे। अगर आपको काउंटिंग्स लर्न होगी तो आप सब अपने आप कर लेंगे, और नहीं लर्न होगी तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले आपको काउंटिंग लर्न होनी चाहिए। ओके एवरीवन, नाउ हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।